सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज यह मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो दे विच मैं शुरुआत करन जा रहा हाँ रब यानी भगवान ते उस नाल जुड़न वाले ते नास्तिक जो रब नूं नहीं मनदे उन्हां दे बारे गलबात। ये वीडियो बनाउण दा मेरा मकसद सिर्फ इन्ना ही है कि जिहड़े साडे अनजाण बंदे ने जिहड़े भगती नूं नहीं मनदे या जिहड़े भगती नूं बहुत ज़्यादा मनदे ने वो असलीयत जाण सकण। भगत होना गलत नहीं है, नास्तिक होना भी गलत नहीं है, पर बहुत सारे सवाल उठ के आते ने। लोग कहते ने कि जिहड़े बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करते ने वो ज़्यादा दुखी होंदे ने ते जिहड़े रब नूं नहीं मनदे वो घट दुखी हुंदे ने ते सुखी रहिंदे ने ज़्यादातर। ये जो मिथ है, ये जो भ्रम है लोगों के मना दे विच हैगा। अक्सर असीं ये भी देखते हैं कि जिहड़े पाठ पूजा करते ने वो बहुत ही सारी गल्लां बातां जिहड़ियां करते ने वो लोगों नाल जाके करते ने कि मैं तो पाठ भी बहुत करदा मैं किसी का विगाड़िया भी कुछ नहीं ते फिर भी मैनू दुख रब क्यों दे रहा है, क्यों मेरे घर सुख शांति नहीं है, क्यों बरकत नहीं पैंदी, क्यों सारे पासे मैनू दुत्कार मिलती है, क्यों ये सारे काम बने बनाए विगड़ जाते हैं। ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये क्यों हुंदियां ने, ये सवाल बहुत सारे मैं नैट दे उत्तों पढ़ रहा सी और बहुत ज़्यादा सर्च की तो पता चलिया कि लोग इन्हां चीज़ों तो बहुत ज़्यादा परेशान ने। मैं आपदे यूट्यूब चैनल दे राही सारिआं नूं इन्हां चीज़ां नाल रूबरू करवाऊँगा और हर एक समस्या का हल कढ़न दी असीं कोशिश करांगे। अज जिहड़ा असीं टॉपिक लिता है वो ये लिता है कि लोग पाठ पूजा करते हुए भी क्यों परेशान ने ते नास्तिक लोग किवें सुखी रह लैंदे। लोगों के सवाल होंदे ने कि असी बहुत पाठ पूजा की है फिर भी रब सानू बहुत परेशानियां दे विच रखता है। देखो एक चीज़ मनो कि कर्म नू प्रधान मनिया गया है, कर्म ही प्रधान है, रब उस तो बाद है। रब थोनू वही चीज़ देगा जिहड़ी वास्ते तुसी मेहनत करोगे। हुण मेहनत असी करनी नहीं, असी तां पाठ पूजा करके असी चाहते हैं कि असी पाठ पूजा करिए ते रातों रात अमीर हो जाइए, पाठ पूजा करिए ते रब सानू सोने चांदी दे घड़े दे दवे, पाठ पूजा करिए ते रब सानू छुपया होया खजाना लभा दवे, पाठ पूजा करिए ते सानू वो शक्तियाँ मिल जान जिस नाल असी सारे संसार दा तन दौलत खुशियाँ जिहड़ियां वो प्राप्त कर लईए। ऐ जा नहीं हुंदा, ये लोगों का भ्रम है, लोगों के विच मिथ बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है, इसका भी एक कारण है। बहुत सारे असी आले दुआले आपदे देखते हैं कि बहुत सारे भगत ने, बहुत सारे चौंकियां लाने वाले ने, बहुत सारे पुछां देने वाले ने, बहुत सारे साधु महात्मा ने जिहड़े मौजां दे विच रहिंदे ने ते लोग चाहुंदे कि असी भी उस तरीका मौजां दे विच रहिए। ते लोग की कहिंदे ने कि जिवें ये साधु संत महात्मा मौज दे विच रहिंदे ने किसी दे परवाह नहीं करदे उवें असी रहिए ते एक दिन की पूजा करके असी भगत बन जाइए ते फिर आपका भी भला करिए तो लोगों का भी भला करिए। इस वास्ते वो की करते हैं, इस वास्ते वो पिशाचनी जिन बेताल इन्हां दियां पूजा अर्चना करनिया शुरू कर देते हैं। ये जदों इन्हां दियां पूजा अर्चना शुरू होंदियां ने तो ये एक या दो दिन के विच मन जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इन्हां नूं काबू दे विच कर लिता जांदा है। तो ये चीज़ जदों सामने आती है तो लोग सोचते हैं कि असी अक्सर असी देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी ये दसते हैं कि किवें तुसी यक्षनी पिशाचनी जिन बेताल नू काबू दे विच करो, किवें उहदी पूजा करो, किवें उन्हां नू काबू च लै के तुसी आपदे काम सवारो। जदों ये चीज़ां असी पढ़ते हाँ देखते हाँ तो साडे मन दे विच भी आउंदा है कि असी भी इस तरह करिए, असी भी एक दिन की पूजा करिए ते अघोरी ते साधक भगत बन जाइए।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੈਲੇਂਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨੇ ਕਦਾਪਿ ਨਹੀਂ ਕੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੌਲੀ 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 ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਊਗਾ ਭਗਵਾਨ ਆਊਗਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰੂਗਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਪਿਚਾਸ਼ਨੀ ਯਕਸ਼ਣੀ ਜਿੰਨ ਬੇਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
जिहड़े साडे आस पड़ोस वाले लोग है वो साडे नाल खुश रहणगे। इस वास्ते सानू इन्हां चीज़ां तो दूर रहना चाहिए। जेकर असीं मर जाने तो रब की दरगाह दे विच सानू ढोई मिलती है, सानू स्थान मिलता है, पर जेकर असीं बिन जिन बेताल पिचाशनी यक्षणी नूं खुश किया है, आपदे जीवन दे विच लियांदा है, उन्हां तो कम करवा रहे हैं, तो यह याद रखना कि वह मरण तो बाद तुहाडे नाल रहणगे ते तुहानू आपदे काबू दे विच कर लैणगे। इस वास्ते इन्हां चीज़ों तो दूर रह के सिंपल पाठ पूजा करो। पाठ पूजा हुण किवें होनी चाहीदी है, की होना चाहिए, पाठ पूजा दे विच किवें असीं पाठ पूजा करिए, किस तरीके नाल पाठ पूजा करिए, उन्हां चीज़ां नूं असीं अज तुहानू मैं दस्सण जा रहा। पाठ सवेरे उठो, परमात्मा दा नाम लो, नाम जपो, जे तुसीं सिख हो तां वाहिगुरू वाहिगुरू सतनाम दा जाप करो, मूल मंत्र दा पाठ करो। जे तुसीं हिंदू हो तां जिहड़े तुहाडे देवता ने, जिहड़े आराध्य देवता ने, कुल देवता ने, उन्हां दा नाम लो, राम 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 नाम लो, हरे कृष्णा नाम लो, जय बजरंग बली, जय हनुमान, ओम नमो शिवाय, बहुत सारे मंत्र जाप हैगे हिंदू धर्म दे विच, उन्हां दा नाम लो। 32 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता दसे गए ने, उन्हां दा नाम लो। जे तुसीं मुस्लिम हो तां कलमा पढ़ो, उस तो बाद जे तुसीं ईसाई हो तां चर्च दे विच जाओ, यीशु मसीह नूं तुसीं आराधो। ये सारिया चीज़ां आपदे आपदे धर्म दे विच तुसीं कर सकते हो, तो इन्हां नूं करन वास्ते बहुता चिर बहुता लंबा बहुतियां पाठ पूजा करन दी लोड़ नहीं। जे तुसीं नाम लैना तां तुसीं किसी भी वक्त, समा नहीं हुंदा रब दा नाम लैण दा, जिवें माँ नूं याद करन दा समा नहीं हुंदा, उस तरह रब नूं ईश्वर नूं भगवान नूं याद करन दा कोई समा नहीं हुंदा। तुसीं किसी भी वेले किसी भी जगह ते किसी भी वक्त किसी भी तरीके दे नाल तुसीं उहदा नाम लै सकदे हो। उह तुहानूं कदे नहीं कहेगा कि मैनू तुसीं गलत आराध रहे हो। वाहिगुरू 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 का जाप करो, सतनाम सतनाम का जाप करो, हरे राम हरे राम हरे राम दा, हरे कृष्णा राम राम राम, जय बजरंग बली, जिहड़ा जाप तुसीं करना चाहते हो वह करो, तो उस नूं आराधन का कोई समा ना मिथो। जे तुसीं समा मिथदे हो तो यानी कि तुसीं किसी ना किसी प्रकार की इच्छा रखते हो, तो जदों इच्छा मन दे विच हुंदी है तो असीं बहुत बार देखिया कि जिहड़ी चीज़ साडे वास्ते गलत है साडा प्यो सानू लै के नहीं दिंदा, तो फिर रब किवें तुहानू वो चीज़ दे दवे। असीं बहुत सारे इस चीज़ नू अक जाने कि मैनू साल हो गया, 2 साल हो गया रब तो मंगदे नू, ते रब ने मेरिया इच्छा पूरियां नहीं कीतियां। कदे असीं सोचिया कि असीं आपदे प्यो अगे कोई इच्छा रखी होवे ते उन्हें सानू मना कीता होवे, कीता है बहुत वार कीता है, तो क्यों करदा है? क्योंकि वो चीज़ जिहड़ी असीं उत्तों मंग रहे हैं वो साडे लई सही नहीं है, साडे लई हानिकारक है, साडे लई सानू लाभ देने वाली नहीं है, इस वास्ते साडा प्यो सानू मना करदा। उस तरह परमात्मा है, परमात्मा नू पता है कि साडे वास्ते की चंगा है ते की माड़ा है। जिहड़ियां जिहड़ियां चंगियां चीज़ां ने वो सानू बिना मंगे दे दिंदा है, ते जिहड़ी जिहड़ी माड़ी चीज़ है वो असीं जिन्ना मर्जी उत्तों मंगदे रहिए वो सानू नहीं दिंदा। पर जो जिन बेताल यक्षणी पिचाशनी है ये इन्हां नू काबू दे विच करके असीं चीज़ां प्राप्त करते हैं, तो असीं बहुत बार गलत चीज़ां भी आपदे कोले लै लैंदे हैं जो साडे वास्ते सही साबित नहीं हुंदियां, ते जिस दा भुगतना असीं मरण तो बाद भी भुगतदे हैं। ये सारे सवालों के जवाब अज मैं तुहानू दित्ते हैं। पाठ पूजा किवें करनी चाहीदी है, सिंपल तरीके दे नाल सवेरे उठो, नहाओ धो, सच्चे मन आपदे इष्ट देव नूं त्याओ, ते उस तो बाद आपदे कम कारां ते जाओ। इस तरीके नाल तुहानू सारियां जो खुशियां नियामतां हैं वो मिलणगियां, ते ये आपदे मन दे विचों वहम भरम कढ दिओ कि मैं रब की पूजा ज़्यादा करदा है, इस वास्ते मैनू कुछ नहीं मिलता, जो नहीं करते उन्हां नूं सब कुछ मिलता है। ऐसा कुछ नहीं हुंदा, जिहड़ा रब की पाठ पूजा करता है, जिहड़ा उस दी खुशियां प्राप्त, जिहड़ा उस नूं खुश करता है उस नूं भी खुशियां प्राप्त हुंदियां ने। रब कदे किसी नूं खाली नहीं मोड़दा, लेकिन जो गलत चीज़ां है उन्हां तों दूर रहो। यही थोड़े अगे सारिआं दे अगे अपील है, किसी भी तांत्रिक ओझा वगैरह दे नाल तुसीं आपदे संपर्क ना साधो, ये बहुत जरूरी ने, क्योंकि जेकर तुसीं उन्हां नाल संपर्क साधोगे तो तुसीं आप भी बर्बाद होवोगे, आपदे घरदिआं नूं भी बर्बाद करोगे, तो हो सकता है तो असीं मरण तो बाद भी सुखी ना होवो, तुहाडी आत्मा भी भटकदी रहे। जेकर तुहानूं साडियां ये जानकारियां चंगियां लगियां तो इस वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना,
साढ़े यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करना ते नाल कैंटी वाले बटन नू जरूर दब लेना ता जो हरेक नवी अपडेट तुहाडे तक असी पहुँचाते रहिए। इन्हां इस प्रकार दियां जिहड़ियां वीडियो हैगियां भगती नाल जुड़िया हुई वीडियो हैगियां वह असी होर अगे तुहाडे सामने पेश करते रहांगे। तुहाडे हरेक सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। वैसे मैं अपने बारे अपने यूट्यूब चैनल के उत्ते लिख दिता है, तुम उतों मेरे बारे पढ़ सकते हो मैं की हाँ किमें काम करता हाँ किस तरीके दे नाल मैं ये सारिया वीडियोज़ बनाना हाँ ये तुसी सारी चीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन दे विच जाके पढ़ सकते हो अबाउट अस दे विच जाके पढ़ सकते हो और जानकारियाँ लै सकते हो और अपने सवाल मेरे तक पहुँचा सकते हो कमेंट दे राही। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुहाडे हरेक कमेंट का जवाब आपकी नवी वीडियो दे विच देवां। इस वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।